दादी सा ने अरमान के सामने उगला सच, अबीरा ने बड़े पापा को सौंपी अक्षरा के निशानी। ये रिश्ता है कि कहलाता कि आज के एपिसोड पर क्या होगा चलिए आपको बताते हैं, जहां पर आप सभी को बता दें कि आज हमें देखने को मिलेगा कि संगीत सेरेमनी के शुरुआत होने से पहले ही अबीरा पौदार हाउस से भागने की कोशिश करेगी। हालांकि भागते वक्त अबीरा की टक्कर दादी सा से हो जाएगी। दादी सा अबीरा को ताने देंगी और उसे जाने नहीं देंगी। दादी सा अबीरा से कहेंगी कि वह नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने उसे इस शादी में काम संभालने के लिए पैसे दिए हैं। अबीरा चुप नहीं बैठेगी और वहां पर दादी सा से कहेगी कि उन्होंने उसे पैसे दिए हैं, खरीदा नहीं है। यहाँ पर हम सभी को देखने को मिलेगा कि दादी सा अबीरा को ब्लैंक चेक याद दिलाएंगी और कहेंगी कि हमने तुम्हें उस दिन खरीद लिया था, तो जिस दिन हमने तुम्हें कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए ब्लैंक चेक दिए थे। अबीरा दादी सा को उन ब्लैंक चेक को लौटा देगी और कहेगी कि अब आपको पता चल गया कि मेरी असली औकात क्या है। अबीरा से बदतमीजी करने के बाद दादी सा चली जाती हैं, जहां पर चली जाएंगी और दादी सा के जाने के बाद अरमान आएगा और अब अरमान दादी सा की सारी बातें सुन लेगा। उसे पता चल जाएगा कि अबीरा ने माँ बाप के रिश्ता बचाने के लिए कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। वहां पर अबीरा बात करने की कोशिश करेगी, अबीरा से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन अबीरा भाग कर अलमारी में छिप जाएगी। बड़े पापा अबीरा को अलमारी में देख हैरान हो जाएंगे और वह अलमारी का दरवाज़ा खोलेंगे, बिना कुछ कहे अबीरा को बाहर निकालेंगे। अबीरा बड़े पापा के साथ थोड़ा वक्त बिताएगी और फिर उन्हें अक्षरा का गिटार देगी। वह कहेगी कि अब वह इस घर में नहीं रहती है और इसलिए उन्हें उनकी बेटी का गिटार संभालना पड़ेगा। याद दिला दे कि अभी अबीरा को ये नहीं पता कि गिटार उसकी माँ का है। इधर माँ अरमान अबीरा से बात करने का बहाना ढूंढेंगे। उधर काजल अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाएगी। माधव की हालत देख परेशान हो जाएगी, विद्या को कॉल करेगी। हालांकि विद्या की जगह संजय फूफासा कॉल उठाएंगे और समझ जाएंगे कि उनकी पत्नी उनके खिलाफ जा रही है। एक तरफ संजय काजल को रोकने जाएंगे, दूसरी तरफ पौदार हाउस में संगीत का फंक्शन शुरू हो जाएगा। सभी लोग बारी बारी से डांस करने स्टेज पर आएंगे और जहां पर डांस के एंजॉय करने में व्यस्त रहेंगे, वहीं पर दादी सा बार बार अबीरा की बेइज्जती करने की व्यस्त रहेंगी। वहीं पर अरमान से ये सब देखा नहीं जाएगा और वह फंक्शन के बीच में ही अबीरा को नौकरी से निकलवाने की बात कहेगा। जहां पर आप सभी को बता दें कि इस एपिसोड पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप सभी को यहां पर देखने को मिलने वाला है कि अब क्या अरमान और रूही की शादी होती है कि नहीं, और क्या विद्या को ये सारी चीज़ें पता चल पाएंगी कि फूफासा ने माधव को हॉस्पिटल में रोक के रखा है और उन्हें घर नहीं आने दे रहे हैं। फिलहाल इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।